आप सभी का स्वागत है असम हेडलाइंस न्यूज पे। आज बात करते हैं 21 अप्रैल 2020 की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सबसे पहले हेडलाइंस दिखाते हैं। बिना मास्क के देश में कहीं नहीं मिलेगा पेट्रोल, जानेंगे विस्तार से। जाने कहां महिला ने सड़क पर कोरोना को देखते ही कर दी चप्पल से पिटाई। वहीं वैज्ञानिकों ने दावा किया कि जानवर के खून से बनेगा कोरोना की वैक्सीन। अब खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस को काबू करने की कोशिशों के बीच 20 अप्रैल से लॉकडाउन में छूट दी गई है। जो इलाके ग्रीन जोन में है वहां जनजीवन सामान्य करने की कवायद जारी है, लेकिन कुछ बातों को लेकर सरकार और प्रशासन पूरी तरह सख्त है। मास्क लगाए बगैर किसी को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। इस तरह बगैर मास्क देश के किसी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीजल एसोसिएशन ने तय किया है कि देश भर के पेट्रोल पंपों पर बिना फेस मास्क पहने लोगों को पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना से परेशान महिला सड़क पे कोरोना को देखते ही गुस्से में चप्पल से कर दी पिटाई। जानते हैं पूरा मामला। लॉकडाउन के बीच टिकटॉक पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। एक महिला ने गुस्से में सड़क पर लगे कोरोना वायरस के लोगों को देखकर चप्पल से पिटाई कर दी। इस वीडियो को राजस्थान के बालूतारा का बताया जा रहा है। सबसे पहले वीडियो दिखाते हैं आपको। वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर कोरोना वायरस का लोगो लगा हुआ था और पास में लिखा था कोरोना को हराना है। महिला ने जैसे ही कोरोना का देखा तो उन्होंने चप्पल उतारी और सड़क पर जोर जोर से मारने लगी, जिसको देखकर लोगों की हंसी छूट गई। एक शख्स ने दूर से इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया। इस वीडियो को टीम राजस्थान नाम के टिकटॉक पेज ने शेयर किया है। इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है कोरोना को पड़ी चप्पल। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि जानवर के खून से बन सकती है कोरोना की वैक्सीन। हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के वैक्सीन पर तेजी से काम चल रहा है। इन सब के बीच एक चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है। खबर के मुताबिक जानवर के खून लामा ब्लड से कोरोना की दवाई बनाई जा सकती है। बेल्जियम के विलियम्स इंस्टीट्यूट फॉर बायोटेक्नोलॉजी शोधकर्ता का दावा है कि अमेरिका में पाए जाने वाली ऊंट की एक प्रजाति के खून से कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार की जा सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का एक गाना रिलीज होने के 24 घंटे के अंदर ही सोशल मीडिया पर छा गया। इस गाने के बोल हैं दिल के केवाड़ी। इस गाने को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका ये गाना। उनकरी बोली बेचैनी बढ़ावाता पागल परछाई बनावाता केहू दिल के केवाड़ी खटे खटावता केहू दिल के केवाड़ी खट खटावता। बढ़ते हैं कोरोना से जुड़ी ताज़ा अपटूडेट की ओर, जहां पूरे विश्व भर में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर अब 24,94,000 के पार कर गई है। वहीं मरने वाली की संख्या 1,71,000 को पार कर गई है। अगर बात करें भारत की तो कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 18,985 हो गई है और मरने वाली की संख्या 600 को पार कर गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां लॉकडाउन में 2800 किलोमीटर की दूरी 25 दिन में तय करने के बाद पहुँचा एक शख्स। गुजरात से असम तक की लंबी दूरी की तय, रास्ते में लूट का भी हुआ शिकार। असम के नौगांव जिले के रहने वाले 46 साल के जादव गोगोई काम की तलाश में गुजरात पहुंचे थे। वहां वे गुजरात के औद्योगिक नगर वापी में मजदूर का काम करते थे। जब लॉकडाउन घोषित हुआ तो उन्हें काम से निकाल दिया गया। तब उनके पास अपने घर वापस पहुँचने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और रोजाना ऐसी खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन